योग का अर्थ है उस विराट प्रभु के साथ एकाकार हो जाना, आत्मा का विश्वात्मा ब्रह्म के साथ लय हो जाना, अपनी आत्म चेतना में उस वैश्विक चेतना का दर्शन कर लेना। भगवान की स्तुति करते करते उसके साथ जब प्रीति प्रगाढ़ हो जाती है, प्रार्थना से जब अहंकार मिट जाता है और उसकी उपासना करते करते जब हम प्रभु के साथ एकाकार हो जाते हैं, तब भक्त के हृदय में भगवान की समस्त ज्योति, उसकी समस्त शक्ति अवतरित हो जाती है। तो हमारा ये प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह होना चाहिए। प्राण मात्र एक औषधि के रूप में ही नहीं है, ये सत्य है कि प्राणायाम से कैंसर से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के आर्थराइटिस से, अस्थमा से लेकर के तमाम रोग दूर होते हैं। प्राण एक औषधि भी है, लेकिन प्राण परम पवित्र तत्व है, प्राण साक्षात ब्रह्म है। श्वासों को जब भीतर गहरा भरे बाहर छोड़े, तब मानो इन प्राणों के साथ उस प्रणव को, ब्रह्म को आत्मसात कर रहे हैं और उस प्रभु के साथ एकाकार हो रहे हैं। प्रार्थना पूर्ण हृदय से जब प्राणायाम करेंगे तब व्याधियां तो मिटेंगी ही, समाधि का सुख भी मिलेगा। मैंने तो प्रथम ये प्राणायाम समाधि के लिए ही किया था। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, आंखें बंद कर भाव से, श्रद्धा से तुम एक बार उस प्रभु की कृपा का आह्वान करो तो सही, देखना तुम में और उस परमात्मा में फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा। तुम कहो उठोगे, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। आओ भाव से करना। आराधना करते करते, उसकी भक्ति करते करते, उसके साथ एकाकार ऐसे हो जाए कि नैनों में वो प्रभु समा जाए। जहां तक इस सृष्टि में दृष्टि जाए, सब जगह भगवान ही भगवान नजर आए। जब सारा अंधकार मिट जाता है, सब क्लेश दग्ध हो जाते हैं, वासनाएं परिक्षीण हो जाती हैं, तब फिर कोई भ्रम नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता है। फिर वह सारा और वही प्रभु ही प्रभु नजर आता है। आखिर उस भगवान के सिवा और है ही क्या यहां? वस्त्रिका से शक्तियों का अर्जन करना
श्वासों के साथ, प्राणों के साथ उस ईश्वरी शक्ति का आधान करना हर दिन, और फिर कपालभाति करते हुए विकारों का विसर्जन करना, श्वासों को बाहर छोड़ते छोड़ते प्रभु के चरणों में ही एक प्रार्थना, प्रभु अब तो तेरी शरण में आया, प्रभु अब तू ही मेरा डॉक्टर है, तू ही मेरा इलाज, तू ही मेरी दवा, तू ही मेरी दुनिया, प्रभु अब मेरे दुख हरो, कृपा सिंधु कृपा करो, हे प्रभु अब मझधार में है नैया, इसे भव पार करो। श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे और प्रभु मेरे जीवन का अब तो तुम उद्धार करो, अब भंवर में है नैया प्रभु, इसे तुम ही भव पार करो। इस शिविर में मैं देखता हूं अलग अलग अपेक्षाएं लेकर के भाई बहन आते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को अस्थमा है, तो अब किसी को कोई रोग है ही नहीं, बस वो तो योग के द्वारा उस परमात्मा तत्व का दर्शन करना चाहते हैं। आप श्वासों को बाहर छोड़ते रहिए, जो आपके संकल्प होंगे स्वयं भगवान उनको पूर्ण करेंगे, तुम अपना काम करना। अब एक बच्चा, उसको तो कोई रोग नहीं है, वो कपालभाति करेगा तो उसका मन शांत रहेगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसकी आई साइट अच्छी रहेगी। एक बच्चा करेगा वह और ज्यादा तेजस्वी होगा, वह संयमी सदाचारी होगा, वह ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा, वह उसके जो सपने हैं जिंदगी के उन सपनों को हकीकत में बदल पाएगा, उसकी भीतर का सोया हुआ शौर्य और पराक्रम जाग जाएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है, उसका शरीर अब काफी जर्जरित हो गया है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई है उसको, अब आंखों से कम दिखाई देता है, भूख भी कम लगने लगी है, अब मन बहुत बेचैन रहता है, अशांत रहता है, जीवन में सब कुछ पाकर के भी मन कहीं अधीर अतृप्त है। श्वासों को बाहर छोड़ना, जो बच्चों की के संकल्प है वो कपालभाति से वो भी पूर्ण होंगे, बड़ों के संकल्प, जो रोगी हैं उनके संकल्प, जो निरोगी हैं उनके संकल्प, जो भोगी हैं उनके संकल्प, जो योगी हैं उनके संकल्प पूर्ण होंगे कपालभाति से। तुम प्राणायाम करते जाना, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन तुम्हारे वश में आ जाएगा। तुम बेबसी से जो जीवन बिता रहे थे, सच में तुम्हारा जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना, रुकना नहीं, विराम नहीं, और प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना। देखना, हो सकता है तुम्हारी बीमारी एक दिन में भी अच्छी हो जाए, जैसे एक दिन में रोग आ जाते हैं, एक पल का भय आदमी को तोड़ देता है, एक पल की चिंता से आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है, एक पल के क्रोध से आदमी का बोध खत्म हो जाता है और आदमी आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाता है। जब एक पल का भय, एक पल की चिंता, एक पल का दुख आदमी को तोड़ सकता है, तो एक पल की श्रद्धा, एक पल का विश्वास, एक पल का समर्पण उस परमात्मा से क्यों नहीं जोड़ सकता है। तुम करो तो ना, भाव से करो और देखना, आज ही तुम्हारा हृदय रोग, आज ही तुम्हारा ब्लड प्रेशर, आज ही तुम्हारी शुगर आर्थराइटिस, आज ही तुम्हारा कैंसर अच्छा होगा। बस तुम भाव से करना कि अब भगवान से बड़ा तो कोई नहीं इस दुनिया, अब मैं बस उसकी शरण में आया हूं, और उसी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कपालभाति करेंगे।
प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते करते प्राणायाम करना, तो तुम्हारे रोग भी मिटेंगे, व्याधियां भी मिटेंगी, समाधि भी लगेगी, अशांत मन जब शांत हो जाएगा तो भीतर की सारी वितृषाएं भी तुम्हारी समाप्त हो जाएंगी। ABP News आपको रखे आगे।